गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है तो देखते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए अपने को समझना है। तो बेसिकली ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो ए मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज करके अपन ऑप्टेन कर सकते हैं। जैसे मैट्रिक्स ऑप्टेंड बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए डिनोटेड बाय ए डैश और ए के ऊपर छोटा सा टी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स is a matrix obtained by interchanging row and column of matrix A and denoted by A dash or A transpose. So, देखते हैं इसका। सपोज करो कि एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने 2x2 का A11, A12, A21, A22। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज चाहिए, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा? इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें। रो कौन से होते हैं? ये रो होती है, तो ये क्या हो जाएगा? ये कॉलम हो जाएगा A11, A12, A21, A22। तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैट्रिक्स बी ले लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका ट्रांसपोज चाहिए, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? बी ट्रांसपोज इज दिस इज रो, नाउ इट विल बिकम कॉलम। सो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। सो ये क्या हो जाएगा? बी ट्रांसपोज। तो बेसिकली ट्रांसपोज क्या होता है? रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। इसका मतलब अगर ए का ऑर्डर m क्रॉस n है तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा? n क्रॉस m हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पहले नंबर ऑफ रोज थे वो अब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज की ओर। तो प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज करो ए मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? सिंपल है, एक ही रो है तो वो क्या हो जाएगा? कॉलम हो जाएगा 1 2 3। सिंपल है काफी। सो प्रॉपर्टीज की ओर मूव करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इट्सेल्फ इज मैट्रिक्स ए। मतलब आप एक बार इमेजिन कीजिए कि कोई मैट्रिक्स है, पहले आपने उसका ट्रांसपोज निकाला, तो क्या किया? उसका ट्रांसपोज निकालने के लिए आपने रो को कॉलम बना दिया और कॉलम को रो बना दिया। अब वापस उसी का ट्रांसपोज ले लो तो क्या होगा? जो कॉलम था वो वापस रो हो जाएगा और जो रो था वो वापस कॉलम हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ए ले लिया ए बी सी डी। अच्छा, इसका ट्रांसपोज बताओ क्या होगा? इसका ट्रांसपोज होगा ए बी सी डी। अब इसका फिर ट्रांसपोज ले लो, मतलब ये जो मैट्रिक्स है उसका भी ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। नाउ दिस इज इक्वल्स टू ए। सो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? वो इटसेल्फ मैट्रिक्स ए हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखना है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन ये कई बार क्वेश्चन में यूज आ जाता है। देखेंगे इसका यूज अपन क्वेश्चंस में। सेकंड प्रॉपर्टी की ओर मूव करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? ए प्लस बी का ट्रांसपोज
इज ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। इसका मतलब ट्रांसपोज जो होता है वो प्लस के ऊपर, अगर प्लस के ओवरऑल के ऊपर ट्रांसपोज है तो वो इंडिविजुअल के ऊपर ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो ए ले लो 1 2 3 4 और बी ले लो 2 4 6 8। ठीक है, ए ट्रांसपोज सबसे पहले एलएचएस निकालते हैं, एलएचएस क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी इंडिविजुअल एडिशन हो जाएगा 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 6 9 एंड 4 प्लस 8 12। नाउ अब क्या करो, इसका ट्रांसपोज ले लो, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 3 6 9 12, ये हो जाएगा। अब आरएचएस की ओर देखें, तो आरएचएस की ओर ए ट्रांसपोज निकालो जरा 1 2 3 4 एंड बी ट्रांसपोज निकालो 2 4 6 8। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज देखें तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 9, 2 प्लस 4 6 एंड 8 प्लस 4 इज 12। आप देख सकते हो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, ए प्लस बी का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल है। दिस प्रॉपर्टी एक्सटेंड अप टू मोर देन टू मैट्रिक्सेस। इसका मतलब अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इस तरह का अगर ट्रांसपोज दे दिया जाए और बीच में अगर प्लस है तो ये ट्रांसपोज इंडिविजुअल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज प्लस सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज एंड सो ऑन। अगर प्लस की जगह माइनस लगा दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे याद रखना है कि ट्रांसपोज प्लस के ऊपर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंडिविजुअल मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी की ओर मूव करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है देखिएगा एक बार, कि के ए का ट्रांसपोज इज के इंटू ए ट्रांसपोज, के बीइंग स्केलर। कोई नंबर है सपोज के, उसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और उसका ट्रांसपोज ले लिया, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसको ऑब्टेन करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो फिर उसको के से मल्टीप्लाई कर दो। एग्जांपल देखते हैं, सपोज करो ए मैट्रिक्स ले लिया ए बी सी डी, एलएचएस को फॉलो करने हैं अभी, फिर आरएचएस को करेंगे। अब क्या कर रहे हैं, के मल्टीप्लाई कर दिया। याद करो पुराना टॉपिक मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन विथ स्केलर नंबर, तो स्केलर से क्या होता है इंडिविजुअल एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, के ए के बी के सी के डी। नाउ के ए का ट्रांसपोज इज के ए के बी के सी के डी। ठीक है, अब आरएचएस की ओर बात करते हैं, आरएचएस में क्या हो जाएगा, आरएचएस में पहले अपन ए डैश निकाल लेते हैं, तो ए डैश क्या हो जाएगा बताओ, ए बी सी डी। नाउ के इंटू ए डैश मतलब अब इस मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, हर एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट मींस के का डैश इक्वल्स टू के ए डैश। ये प्रॉपर्टी भी अपने को याद होनी चाहिए, दिस इज थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ मूव करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी के ऊपर। देखो आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो आप मूवी की तरह मत देखिएगा इसे, कि दोनों हाथ फोल्ड कर लिए और मूवी चल रही है, ठीक है ना, आप वीडियो को पॉज करके नोट्स उतारिए तो ही काम आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि अगर ए बी का डैश हो, ए बी का डैश बोलने का मतलब ए बी का ट्रांसपोज, तो ये जो खुलता है वो उल्टे से खुलेगा, दैट इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ध्यान रखना कोई इसमें इस टाइप की गलती ना कर दे जैसा प्लस और माइनस में होता है,
प्लस माइनस में क्या होता है कि वो ट्रांसपोज इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसमें ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने ऐसा लिख दिया तो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं होगा, पहले बताया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है सारा मैट्रिक्स, मतलब ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज जरूरी नहीं हो कि इक्वल हो, ये ट्रांसपोज उल्टे से खुलेगा, ठीक है, इसको याद करना है, एग्जाम्पल से भी प्रूव करेंगे। ए बी का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए एंड बी आर कंफर्मेबल इन मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब वही पुरानी प्रॉपर्टी कि दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई हो सकती हैं, जब ए के नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रोज से इक्वल हो जाए, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को थोड़ा ऑर्डर वाले मेथड से सॉल्व करते हैं कि सपोज करो ए का ऑर्डर ले लो 2x3, बी का ऑर्डर ले लो 3x1, समझ रहा है एक बात। अब मैंने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अब मैं एलएचएस को फॉलो कर रहा हूं, दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है तो ए बी आएगा, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बताइए, ए बी का ऑर्डर 2x1 हो जाएगा, और ए बी का ऑर्डर अगर 2x1 हो गया, ए बी का ऑर्डर अगर 2x1 हो गया तो ए बी के ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा 1x2, बात समझ में आई, क्लियर है। नाउ अब देखते हैं आरएचएस, आरएचएस में क्या होगा, बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बताइए 1x3, बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1x3 हो जाएगा इसका ऑर्डर, और ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा ए ट्रांसपोज का 3x2, सो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर 1x3 और ए ट्रांसपोज का ऑर्डर 3x2, सो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है, ये सिंपल सी बात है, 1x2 होगा, देखिए दोनों का ऑर्डर तो सेम आ गया, ठीक है, ये जस्ट ऑर्डर से प्रूव किया है, एग्जांपल से भी अपन इसको प्रूव कर लेंगे। अगर आप इस तरह की हिम्मत जुटाओगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज करने जाओगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये 2:1 के बराबर नहीं है, याद है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, प्री मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रोज से, तो ये गलत हो जाएगा, तो अपने को याद रखना है ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। अपन इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ए बी सी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। अगर थोड़ा और एक्सटेंड करना है ए बी सी डी का ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा, उल्टे से खुलेगा, याद रखना है, डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है, तो याद रखना है कि प्लस माइनस हो तो ट्रांसपोज इंडिविजुअल मैट्रिक्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर ओवरऑल प्रोडक्ट का ट्रांसपोज हो तो ट्रांसपोज खुलेगा लेकिन वो उल्टे से खुलेगा, मतलब जो लास्ट वाला मैट्रिक्स है वो पहले ट्रांसपोज होके आगे बनेगा, फिर सेकंड लास्ट वाला सेकंड वाला ट्रांसपोज होके आगे बनेगा, तो ये उल्टे से खुलेगा, याद रखना, ठीक है ना, इसको यहां थोड़ा लिख लो, उल्टे से खुलेगा, इससे क्या आपको याद रहेगा। एग्जाम्पल लेके प्रूव कर लेते हैं इस प्रॉपर्टी को, जैसा कि हर प्रॉपर्टी में अपन कर रहे हैं। छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं 2x2 का, देखिए ए ले लिया 2x2 का, ये ले लिया 3x4, ये 2x2 है, तो क्या करते हैं अपन लोग, बी ले लेते हैं 2x1, मतलब 1 और 5, ये 2x1 ले लिया, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है ना इजीली। अब क्या करते हैं एलएचएस की ओर बात करते हैं, पहले ए और बी का मैं मल्टीप्लाई करूंगा फिर उसका ट्रांसपोज ले लूंगा, ठीक है, ए और बी, तो ए और बी निकालने के लिए बताया था कि ये 2x2 है ए और बी 2x1 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए बी का 2x1 हो जाएगा, ठीक है, 2x1 हो जाएगा, इसका मतलब सिर्फ दो रो रहेंगी और एक कॉलम रहेगा, तो इसको एक बार निकालने की कोशिश करते हैं,
मल्टीप्लीकेशन होता है रो बाय कॉलम, मतलब 1 × 1 प्लस 2 × 5 रो बाय कॉलम, 3 × 1 प्लस 4 × 5, दिस इज 11, दिस इज 23, दिस इज ए बी। अब मैं क्या करूंगा, ए बी का ट्रांसपोज ले लूंगा। सो ए बी का ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होगा, 23 11। क्लियर है? अब क्या करते हैं, अब अपन आरएचएस की ओर बात करते हैं, क्योंकि प्रूव करना है ना अपने को, तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो बी ट्रांसपोज कैसा दिखने लग जाएगा अपना, 1 5, और ए ट्रांसपोज कैसा दिखने लग जाएगा, 1 2 3 4, दिस इज 2 × 1, सॉरी दिस इज 1 × 2 एंड दिस इज 2 × 2। सो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, 1 × 2 का। देखिएगा मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, रो बाय कॉलम, मतलब ये 1 × 1 प्लस 5 × 2, 10, 1 × 3 प्लस 5 × 4। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मल्टीप्लीकेशन कैसे हो रहा है, तो आप पुराने वीडियोस पे जाके देख सकते हो, ठीक है ना, पूरी प्लेलिस्ट बनी है पार्ट वाइज, आप उसमें विजिट कर सकते हो। सो प्रॉपर्टी, चारों प्रॉपर्टी हो गई है, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखिए अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जरा अपन। ए दे रखा है 0xx 2yy-y z-z, और दिया है कि इफ ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू आई फाइंड एक्स वाई जेड। देखिएगा ए दे रखा है 3×3 का मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो सीधी सी बात है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा, ये 3×3 का ही होगा। क्यों? क्योंकि 3×3 सामने लिखा हुआ है। सो अपने को एक्स वाई जेड निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले ए ट्रांसपोज लिख लो, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखिए ए ट्रांसपोज 0 2y z x y-z x-y z, ये ए ट्रांसपोज निकाला है। कैसे निकाला है, ए के जो रोज थे उसको मैंने कॉलम बना दिया है। अब ए का मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन दे रखी है, इसको यूज करना होगा अपने को। सो ए क्या होगा, 0 2y z x y-z x-y z, ठीक है। ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3×3 का कैसा होता है, इस तरह से होता है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, आप भी अपनी कॉपी में पॉज करके मल्टीप्लाई करिए, देखिए सही होता है कि नहीं मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहले ये 3×3 का है, ये 3×3 का है, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का होगा, वो 3×3 का होगा। रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखते रहिएगा, 0 × 0 0, x × x x² प्लस x × x x² इट मीन्स इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2x² लिख सकता हूं,
रो बाय कॉलम, 2y into 0 is 0 plus plus का xy plus minus का xy, तो ये कितना हो जाएगा, ये ओवरऑल हो गया, कट जाएगा ना, ये इसने इसको मार दिया, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी बात करें, 0 into z is 0 माइनस का एक्स जेड प्लस का एक्स जेड, तो कितना हो गया, ये 0 हो गया। क्लियर है, आगे मूव करते हैं। अब ये चाहिए तो इसके लिए क्या होगा, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, 2y into 0 is 0, ठीक है, प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई, तो ये भी ओवरऑल क्या हो गया, 0 हो गया। 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड प्लस y स्क्वायर इफ, ये कितना हो गया, ये 6y स्क्वायर हो गया। ठीक है, देखिए अपने पास थोड़ा स्पेस कम है तो थोड़ा कैलकुलेशन साथ साथ में ही कर लेंगे। नेक्स्ट इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, तो कितना हो गया, ये ओवरऑल 0 हो गया। ठीक है, देखो ये माइनस का 2yz प्लस का 2yz, मतलब ये खत्म हुआ 0। अब थर्ड रो की बात कर रहे हैं, मतलब ये वाली रो मल्टीप्लाई होगी इस वाले कॉलम से, z इंटू 0 0 माइनस का xz प्लस का xz, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0। इसकी बात करें, देखो 2yz प्लस का माइनस का yz माइनस का yz, तो कितना हो गया, 0। अब z इंटू z, z स्क्वायर माइनस z इंटू माइनस z, अगेन प्लस का z स्क्वायर एंड z इंटू z इज z स्क्वायर, मतलब कितने इकट्ठे हो गए, 3 इकट्ठे हो गए z स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 3z स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1110000000। सो सीधी सी बात है, दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके आपस के सारे एलिमेंट्स, मतलब कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो इसके बारे में तो कोई चिंता करनी नहीं है, ये तो दे रखे हैं अपने को, चिंता इस बात की है, 2x square equals to 1, so x square equals to 1 by 2, then x equals to plus minus 1 by root 2. Now 6y square equals to 1, y square equals to 1 by 6, y equals to plus minus 1 by root 6. Now 3z square equals to 1, then z square equals to 1 by 3, then z equals to plus minus 1 by root 3. तो x, y, z निकालने थे, वो अपन ने निकाल लिए, ठीक है, इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।